हेलो जी, वेलकम जी, वेलकम जी। ये थर्ड पार्ट है दुबई का, हमारे सीरीज़ का, और आखिरी पार्ट है ये। हम होटल के टेरेस पे खड़े हैं हम यहाँ, और यहाँ से हम जस्ट खाना खाने के लिए निकलते हैं। और ये सामने दो ब्यूटीफुल सी कार मस्टैंग खड़ी है। मस्टैंग खड़ी होने के बाद हम थोड़ा मेट्रो वेट्रो की सवारी करते हैं। का ही सीन निकला है भाई, ये तो हद हो गई। हमारी अगली स्टेशन होती है द बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन। वहाँ से हम बुर्ज खलीफा से अंदर जाते 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 खुद को एंजॉय करवाते 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 और पहुँचते हैं बुर्ज खलीफा के। यहाँ पे एक लड़का, यार कुछ ज़्यादा ही नहीं देख रहा मुर्के वैसे, मतलब ठीक है, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, हमारी नहीं है, तो हम क्या बाल भी ना बनाएं। तो भैया देखते देखते हम पहुँच गए दुबई मॉल की तरफ, और उसके बाद आगे जो हमने देखा वो तो मतलब मेरा थर्ड टाइम है, मैं देख चुका हूँ सब कुछ, बट ये सबसे बेस्ट पार्ट है। मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये इसके जो गोल पुगड़ी पुगड़ी होती है ना, गोली गोली, वो मुझे बहुत पसंद है। ये रहा बुर्ज खलीफा। पूरी 5 मिनट तक मैं आपको इसको, इसके हर एक एंगल दिखा दिखा के आपको बोर करने वाला हूँ, और ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एंड में बहुत ही मज़े और अच्छी खासी हमने घुमाई घुमाई की है। मेट्रो वगैरह में बैठे हैं और ट्राम में भी बैठे हैं जो डाउन टाउन में चलती है। तो अभी फिलहाल इस व्यू को आप इंजॉय कीजिए। YouTube पे मुझे व्यूज़ और लाइक्स की जो भरमार हुई है, लास्ट वीडियो हमारा 1 मिलियन क्रॉस कर गया है, जाके देख लीजिए एक बार। मजाक कर रहा हूँ, अभी तक हम 450 सब्सक्राइबर्स पे ही हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार अगले वीडियो में हम कुछ पहुँचेंगे माइलस्टोन्स लेकर। ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये हमने इंस्टा 360 कैमरा से निकाला हुआ है, इसीलिए आपको ये आड़े तेढ़े एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ये कोई नॉर्मल कैमरा नहीं है, ऐसा वैसा कैमरा नहीं है, ये बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अच्छा कैमरा है। अगर आपको ये कैमरा चाहिए तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू। तो बाकी सब ठीक है, बुर्ज खलीफा ये वो यहाँ पे वहाँ पे हर एंगल्स ठीक है, बट यहाँ पे जो मज़ा एक चीज़ का है वो पता नहीं यहाँ पे आके ही आता है, कि आपको पीपल स्टेयरिंग का जो मज़ा है ना वो अलग ही होता है यहाँ पे। मतलब आप बैठे रहो, लोगों को देखते रहो, किस्म किस्म के लोगों को देखे रहो, कोई इंडियन देख लो, कोई इंडियन तो देखते ही रहते हो, बट वेस्टर्न का कोई देख लो, यूरोपियन देख लो, अमेरिकन देख लो, ब्रिटिश देख लो, या फिर अरबिक देख लो, देखना थोड़ा अच्छा लगता है। अब अगले दिन फिर हम गए खाना खाने, और हमने देखी लैम्बोर्गिनी उरुस। ट्राम में बैठे हुए हैं हम, अभी ट्राम है जो डाउनटाउन चलती है, काफ़ी अच्छा व्यू है, बहुत ही ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई ने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, मुझे बहुत पसंद है। और आगे हम जाते जाते ऐसी जगहों से जा रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस जगह पे आना, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं आया था डाउनटाउन एरिया में। मैं दो बार पहले आया था, तो मैं बर दुबई में रहता था, तो मुझे, मैं डाउनटाउन में मेरा कुछ काम नहीं था, तो मैं कभी घूमने भी नहीं गया। तो जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की तब से मैंने शायद मेरा व्लॉग पहले हमेशा, क्योंकि मेरा सोलो इंटरनेशनल था दुबई, तो मैं छोड़ यार क्या ही बता रहा हूँ। तो चलो व्यूज़ पे ध्यान देते हैं। अभी हम खड़े हैं जो मेरा बीच के, एक बहुत ही अच्छा सा व्यू दिख रहा है हमको, यहाँ से अंदर जाएंगे थोड़ा और बीच की तरफ जाएंगे, वहाँ पे बैठना मना कर दिया, पता नहीं क्यों, पता नहीं, कोई रीज़न नहीं है। मुझे, मैं बैठा था तब उठा दिया, कहा कि नहीं, मुझे लगा पहले सिर्फ इंडियन उठा रहे हैं, लेकिन फिर मैंने देखा अरेबिक्स को भी मना कर रहे थे, फिर मैंने देखा श्रीलंकन को भी मना कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, भेदभाव तो नहीं है।
फिर उसके बाद आगे जाते हैं हम। बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग देख के भी मन खुश हो जाता है। नहीं, जैसे कि आप मेरे को देखते हो तो आपका मन भी खुश होता होगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो मेरी ना यहाँ पे बहुत अच्छी रील बनी थी जो मैंने इंस्टाग्राम पे रील पर डाली थी, लेकिन मज़ा नहीं आया यार, व्यूज़ नहीं आए कुछ। वैसे मैं व्यूज़ का भूखा नहीं हूँ, बट यार रील तो डिजर्विंग था। अगर आपको वो रील देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, कोई पैसे नहीं लगते, आजकल ब्लू टिक के लग रहे हैं। देखो, जो नेचर में दो चीज़ें हैं ना वर्ल्ड फेमस है ना, माउंटेन्स और बीचेस, तो मुझे दोनों पसंद है। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि माउंटेन पसंद नहीं है, बीच पसंद नहीं है, या बीच पसंद है या माउंटेन पसंद नहीं है, तो आई एम वेरी न्यूट्रल अबाउट इट। मैं बहुत ही शांत बंदा हूँ, बहुत ही ऐसी जगहों पर आके खुद को ढूँढता हूँ, ज़रूरी है, ढूँढता हूँ मतलब मैं खो जाता हूँ हमेशा कहीं ना कहीं पर, तो इसके लिए ढूँढता हूँ। बाकी मेरे में फुल सेल्फ रियलाइजेशन है कसम से। पैर थकने तक हम वहाँ पे घूमे और वहाँ पे से निकल गए। बस फिर आपको मैं अभी घर का रूम का एक टूर दिखा देता हूँ जो हमारे होटल का था। एंजॉय कीजिए, अगर आपको वहाँ भी जाना है तो गूगल कर लेना भाई, हर चीज़ का दल्ला थोड़ी हूँ। हाँ, ये हमारा अभी होटल है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा, मुझे लगता है ये 3-4 होटल है। तो वी हैव गुड, दिस द एग्जिट एंड दिस इज द होटल। बहुत ही अच्छा स्वीट सा होटल है, और लाइट्स में जला देता हूँ, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए अभी लाइट्स ऑन है, क्योंकि हम अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, तो हम अभी चेकआउट करने वाले हैं। हमने लेट चेकआउट किया तो उसके भी हमने 80 ग्राम दिए हुए हैं, थोड़ा कंसेशन दे दिया उन्होंने मुझे। या कॉन्कॉर्ड करके है ना, वो अपना होटल है, होटल है वहाँ पे अपना बीच एग्जैक्टली। ठीक है, चेकआउट मार दिया है। यार एक सच्ची बात बताता हूँ, जब हम जहाँ जाते हैं वहाँ की खुशी से ज़्यादा जब वहाँ से निकलते हैं तो 50% पेन होता ही है। क्या जगह थी, क्या मेमोरीज क्रिएट की, हमेशा दिल में रहता है, तो वही मेरे नाम लो सिर्फ पहुंच जाता हूँ वहाँ पे। मजाक अपनी जगह, बट हम फिर मिलेंगे दुबई, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप भी सो जाइए, आराम कीजिए, हम भी किसी अगली ट्रिप की तैयारी करते हैं।